और यहाँ पर सॉन की आवाज़ सुनकर ग्रैनी उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर सॉन था, लेकिन क्योंकि सॉन बेड के नीचे छुपा हुआ था इसलिए ग्रैनी उसे देख नहीं पाती है। और तभी बुल्ली अचानक से उठ जाता है और फिर वो ग्रैनी की तरफ मुड़ता है। और ग्रैनी भी बुल्ली को देखने लगती है, लगता है अब बुल्ली ग्रैनी के वश में हो गया है। बुल्ली ग्रैनी को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और यहाँ पर सॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बुल्ली ग्रैनी को ऐसे क्यों देख रहा है और आखिर ग्रैनी बुल्ली को मार क्यों नहीं रही है। और तभी बुल्ली अपना दोस्ती का हाथ ग्रैनी की तरफ बढ़ाता है और ये देखकर ग्रैनी को समझ में आ जाता है कि बुल्ली अब उसके वश में हो गया है, इसीलिए ग्रैनी भी बुल्ली से दोस्ती कर लेती है और अब ग्रैनी अपना सारा काम बुल्ली से करवाने वाली है। और तभी बुल्ली अपना सर सॉन के सामने ला देता है और ये देखकर सॉन बहुत ही घबरा जाता है।